लेट्स टॉक अबाउट चेंज. चेंज जो कि हम में आता है, चेंज जो कि दूसरों को पसंद नहीं आता है. लेट्स टॉक अबाउट इट. सो कल रात की बात है, मैं अपने स्नैपचैट पे था, सभी अपडेट्स को देख रहा था और ये भी सोच रहा था कि आई डोंट लाइक दिस स्नैपचैट. मतलब आई स्टिल मिस द ओल्ड स्नैपचैट, बट दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज अब मैं स्नैपचैट पे उतना एक्टिव नहीं हूँ. क्यों? बिकॉज कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और सभी पे ऑलमोस्ट एक ही फीचर, स्टोरी. मतलब एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर मुझे वो बहुत इरिटेट करता है कि हर जगह पे सेम फीचर है, कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं है. सो आई फोकस ऑन वन प्लेटफॉर्म, दैट इज इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे लॉन्गर वीडियोस. बट दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज चेंज. मेरा करियर एज वीडियो क्रिएटर दैट स्टार्टेड विद स्नैपचैट वीडियोस, फॉर एग्जाम्पल ये मेमोरी फुल थई गई ने बैटरी लो थई गई छत्ता 500 सेल्फी ली दी मेली दी मेली दी नी 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 नी. या दैट वाज मी द फनी वीडियो क्रिएटर. लेटर ऑन उन्हीं सब वीडियोस को मैंने इंस्टाग्राम पे डालना शुरू किया. फिर वाइन कल्चर आया, द फनी वाइन वीडियो कल्चर. उसके बाद टॉम एंड जेरी के गुजराती वीडियोस आए, जो कि मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट इश्यू, पर वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं. फिर थोड़ा सीरियस और थोड़ा सेंसिबल कॉन्टेंट आया, मतलब मॉर्निंग मंत्रा, जस्ट अ विचार, एंड देन यूट्यूब के, जहाँ पे फनी वीडियोज के अलावा सब कुछ है. नाउ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, दैट इज स्नैपचैट के फनी वीडियोस, तब का वी फैम और अब का वी फैम, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है. बहुत बढ़ावा भी आया है और कुछ लोगों ने मुझे बाय बाय भी कह दिया है. बिकॉज जिन जिन लोगों ने मेरे फनी वीडियोस को या फिर उस क्रेजी अवतार को देख के सब्सक्राइब किया था, वो अवतार अब उतना एक्टिव नहीं है. तो उन लोगों ने मे भी ऐसा सोचा होगा कि अब ना वश बहुत सीरियस बातें करता है, जरा भी फनी नहीं है, अब वो गुजराती में भी बात नहीं करता है. आई हेट यू वश, बाय. By the way, this was also one of the characters which I used to play, the irritating girlfriend. So yeah, some of the VFM members said goodbye, and I don't blame them. It was natural. पर कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो इन सभी changes को absorb करके वहीं पे टिके रहे, and they still appreciate my content. So thank you so much, old VFM, for staying. मुद्दा ये है कि आपके बदल जाने से या फिर आपके grow होने से आपसे दूर होने वाले लोग बहुत हैं. ट्रस्ट मी, आपके अपने भी बहुत हैं कि जो आपके इस बदलाव से आपसे दूर हो जाएंगे. पर अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर योरसेल्फ, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चेंज जरूरी है, मे बी वियर्ड सा है, मे बी किसी के लिए अनएक्सेप्टेबल है, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चेंज जरूरी है, देन डोंट स्टॉप, जस्ट डू इट. किसी और के लिए डोंट स्टॉप ग्रोइंग. यू नो, मुझे अभी भी याद है इंस्टाग्राम स्टोरीज में अभी मैं जैसे बात करता हूँ एक डिफरेंट वॉइस में, दैट इज रिचक. सो इस वॉइस में जब पहले बात करता था तो मेरे बहुत ही नजदीकी लोग थे, बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार थे, दोस्त थे, उन लोगों ने मुझे गंदा क्रिटिसाइज किया और अनफॉलो कर दिया. दे स्टिल डोंट फॉलो मी, बट दैट्स फाइन बिकॉज आई केप्ट गोइंग, आई केप्ट ग्रोइंग, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि दिस इज मी. Weirdo me, but real do me. I know that's not the word, but I didn't stop because of few people. क्योंकि अगर वो आपके अंदर के बटरफ्लाई वाले साइड को जानते होंगे, आपकी डेप्थ को जानते होंगे, तो मे भी शुरू शुरू में थोड़ा रेजिस्टेंस रखेंगे. और उसका रीजन ये भी है कि चेंज इज नॉट ईजी, स्पेशली फॉर अदर्स टू एक्सेप्ट इट. तो वो शायद आपको कहे कि ये गंदा कर रहे हो या ये ठीक नहीं कर रहे हो, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मे बी चले जाने की भी धमकी देंगे. पर अगर वो आपकी वर्थ को जानते हैं तो आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे, कभी भी आपको नीचा नहीं दिखाएंगे. सो ऑलवेज रिमेम्बर, जो आपका अपना होता है वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाता, और जो आपके रियल यू को देख के चला जाता है वो अपना नहीं होता. डोंट स्टॉप, जस्ट कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग. Navratri is on her way. Navratri to female jane, so on her way. I want to sing some garbas. Are you gaiti shopping? Lidi panso selfie made in mirror. Memory full thai gai ne battery lo thai gai. Chatta panso selfie lidi me lidi me lidi. कपड़ाते भरी बैगड़ी ने पप्पा पेमेंट कर रे शॉपिंग करवा जाता टन के शॉपिंग करवा जाता बापा ना पैसे ले करवा जाता टन ओ क्रेडिट कार्ड हूँ तने चाहूँ
વિના થાય નહીં મારી શોપિંગલી, વાટ જોવે છે મારી બેગડી, હો હો ક્રેડિટ કાર્ડ હું તને ચાહું દિલથી ચાહું, કે પછી બસરાપુર ની પાળી આલ્ફા વન ચલો શોપિંગ કરવા જઈએ, ટંગ ટિંગ ટંગ ટંગ તેરા પાછળ સેલ બોલે ઓ સસ્મેન તારી ઓય હોય સસ્મેન તારી બોલી મને લાગે થોડું ડિસ્કાઉન્ટ આપજો ને.